ये समझना चाहता हूँ, हम लोग पहले स्वयं मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के लिए, संस्कार चैनल द्वारा बार बार सरकार से आग्रह किया जाता है कि जो हमारी संस्कृति पर प्रहार हुआ उसके लिए आप लोग तमाम संगठनों को तमाम ऐड देते हैं, तमाम चीज़ें। हम तो संस्कार सेना के माध्यम से उन माता पिताओं की संरक्षण करना चाहते हैं जो अपने बच्चों के द्वारा उपेक्षित और वंचित हैं। एक पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करता है और वही बच्चा उनको छोड़ कर देश विदेश में बस जाता है और उनकी देखरेख कौन? संस्कार ऐसे आए या तो बच्चे माँ बाप को अपने साथ रखें। हम पहले भी तो रहते थे, पहले भी कार्य करते थे, हमसे पहले हमारी पीढ़ी ने हमसे अच्छे कार्य किए, परंतु उन्होंने अपने माता पिता को कभी अलग देखा। तो मांग यही है हमारे जैसे संगठन यदि और भी हों तो उनको भी इस पर विचार करें कि अन्य चीज़ों के मत के लिए जब हम राशि दे सकते हैं तो हम अपने प्रकृति के संरक्षण और भाव और समर्पण भाव से जो लोग कार्य कर रहे हैं क्या हम उनके लिए कुछ नहीं दे सकते? और यदि नहीं दे सकते तो ये समाज और परिवार को आप कुछ नहीं दे रहे। कुछ भी बांटने से कुछ नहीं होगा, बांटना है तो संस्कार बांटिए, उन संस्कार बांटने वालों के लिए कुछ राहत प्रदान कीजिए। ऐसे संस्कार सेना जो है इसके मुख्य रूप से काम किस तरीके से कार्य करती है?